खबर अब कुशीनगर से, जहां पर मजदूरों से भरी हुई बस पलट गई और नोएडा से बिहार के भागलपुर बस जा रही थी जो पलट गई कुशीनगर में। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो खबर आपको ये दे रहे हैं हम कुशीनगर से, जहां पर नोएडा से बिहार जा रही एक बस पलट गई। इसमें 7 लोगों के नाजुक होने की सूचना मिल रही है कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। शाही पेट्रोल पंप के पास में यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान भी लिया। तो वहीं सभी घायलों का समुचित उपचार हो, इस बात के निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जो भी हादसे में घायल हुआ है उन सभी का उपचार होना चाहिए। DM और SP को दुर्घटना के कारणों के जाँच करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। खबर अब कुशीनगर से, जहां पर मजदूरों से भरी हुई बस पलट गई और नोएडा से बिहार के भागलपुर बस जा रही थी जो पलट गई कुशीनगर में। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो खबर आपको ये दे रहे हैं हम कुशीनगर से, जहां पर नोएडा से बिहार जा रही एक बस पलट गई। इसमें 7 लोगों के नाजुक होने की सूचना मिल रही है कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। शाही पेट्रोल पंप के पास में यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान भी लिया। तो वहीं सभी घायलों का समुचित उपचार हो, इस बात के निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जो भी हादसे में घायल हुआ है उन सभी का उपचार होना चाहिए। DM और SP को दुर्घटना के कारणों के जाँच करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। खबर अब कुशीनगर से, जहां पर मजदूरों से भरी हुई बस पलट गई और नोएडा से बिहार के भागलपुर बस जा रही थी जो पलट गई कुशीनगर में। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो खबर आपको ये दे रहे हैं हम कुशीनगर से, जहां पर नोएडा से बिहार जा रही एक बस पलट गई। इसमें 7 लोगों के नाजुक होने की सूचना मिल रही है कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। शाही पेट्रोल पंप के पास में यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान भी लिया। तो वहीं सभी घायलों का समुचित उपचार हो, इस बात के निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जो भी हादसे में घायल हुआ है उन सभी का उपचार होना चाहिए। DM और SP को दुर्घटना के कारणों के जाँच करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। खबर अब कुशीनगर से, जहां पर मजदूरों से भरी हुई बस पलट गई और नोएडा से बिहार के भागलपुर बस जा रही थी जो पलट गई कुशीनगर में। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो खबर आपको ये दे रहे हैं हम कुशीनगर से, जहां पर नोएडा से बिहार जा रही एक बस पलट गई। इसमें 7 लोगों के नाजुक होने की सूचना मिल रही है कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। शाही पेट्रोल पंप के पास में यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान भी लिया। तो वहीं सभी घायलों का समुचित उपचार हो, इस बात के निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जो भी हादसे में घायल हुआ है उन सभी का उपचार होना चाहिए। DM और SP को दुर्घटना के कारणों के जाँच करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं।